तो आज हम बात कर रहे हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर SUK इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी 1962 में स्टैब्लिश हुई थी कोल्हापुर महाराष्ट्र में। इसके अंडर 293 एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके खुद के PG और UG कोर्सेज होते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड विथ UCG, NAAC और AIU के थ्रू ये एफिलिएटेड भी है। कैंपस की बात करें तो ये 853 एकर्स में पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई है। रैंकिंग, तो ये यूनिवर्सिटी 50 यूनिवर्सिटीज पे रैंक की गई है। फैसिलिटीज में सबसे सही इसकी अगर कोई फैसिलिटी की बात करी जाए तो ये लाइब्रेरी है। शिवाजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन सदर्न महाराष्ट्र मानी जाती है। इसमें हमें 3.1 लाख के अराउंड प्रिंटेड इंफॉर्मेशंस हैं, साथ ही साथ 6000 प्लस इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स भी हैं। तो फैसिलिटीज़ के मामले में लाइब्रेरीज देखी जाए शिवाजी यूनिवर्सिटी की तो बेस्ट है। अब इनके कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो इनका कोलैबोरेशन बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहुत सारे कॉलेजेस के साथ है, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ इनका कोलैबोरेशन है फॉर रिसर्च इन मटेरियल साइंस, साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई और इंडस्ट्रीज जैसे कि फाइटोफार्मा, ऐसी टॉप की इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन के साथ शिवाजी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन। अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो इसमें जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं, वैसे ही शिवाजी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि 489 कोर्सेज है, 15 स्ट्रीम्स फॉर बोथ UG, PG एंड PhD। इन तीनों कोर्सेज में 489 कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं। BA की बात करें तो 28 ब्रांचेज हैं BA के, इंजीनियरिंग में 15 ब्रांचेज हैं, BCom में 12 ब्रांचेज हैं और ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज में BPharma, BLib, BCA ऐसे बहुत सारे कोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं। बी की बात करें तो बी शिवाजी यूनिवर्सिटी की जो बी की स्ट्रीम्स हैं वो है ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स ये प्रोवाइड करते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर जो बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर कहा जाए इंस्टीट्यूट या कॉलेज तो वो है KIT, जो कि है कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एफिलिएटेड है शिवाजी यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली। इसकी फीस की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 1 लाख पर ईयर फीस इस कॉलेज की होती है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो इनका खुद का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है MHT CET नाम से। इसके बाद ये होगा बैचलर्स डिग्रीज के लिए, पर अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज की बात करें तो गेट के स्कोर्स के थ्रू भी एडमिशन ये लोग लेते हैं। अब प्लेसमेंट की बात करें तो 80-85% प्लेसमेंट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि जो कंपनीज आती है उनमें से ICICI, HDFC ऐसी बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज आती है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 लाख और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 12 लाख, जो कि एवरेज ही कहा जाएगा, ज़्यादा अच्छे भी पैकेजेस नहीं हैं। अब अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो एकेडमिक वाइज ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मानी गई है, फैकल्टीज़ भी एक्सपीरियंस्ड हैं, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जाती है जिससे फीस भी स्टूडेंट्स के लिए रीजनेबल पड़ जाती हैं। और अगर डीमेरिट्स की बात करें तो जैसे कि हमने भी डिस्कस किया प्लेसमेंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो प्लेसमेंट्स एवरेज है, साथ ही साथ सोशली इतना एक्टिव नहीं है ये यूनिवर्सिटी। अब हम अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें हर एक फील्ड में तो शिवाजी यूनिवर्सिटी को एकेडमिक वाइज 8.4 out of 10, और ये रैंकिंग्स स्टूडेंट्स के थ्रू ही दी गई हैं, तो उन्होंने एकेडमिक वाइज इसको 8.4 out of 10 रैंक किया गया है, फैकल्टी वाइज 8 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 7.1 out of 10, प्लेसमेंट वाइज 8.5 out of 10, और सोशल लाइफ जो कि इसकी डीमेरिट्स पे रहा है तो इसमें अप्रोक्स 7 out of 10। तो ये सारी बात रही शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जिसमें मैंने KIT को भी थोड़ा थोड़ा कवर किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में KIT के बारे में बताऊंगी।
तो इसमें इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करिए, या फिर आपको कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में जानना है उस यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड हम लोग ट्राई करेंगे उसके बारे में इन वीडियो शेयर करने का। थैंक यू।